आलिया भट्ट, यू आर वॉचिंग एक्सपोज इंडिया, कीप वॉचिंग। यूपी की सत्ता पर काबिज होने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने एडी से चोटी तक का जोर लगा दिया है। राजनीतिक दलों के सभी बड़े नेता पूर्वांचल में डेरा जमाए हुए हैं। दरअसल सत्ता के सिरहाने तक पहुंचने की आखिरी सीढ़ी पूर्वांचल ही है। पूर्वांचल के 7 जिलों में 40 सीटों पर आखिरी चरण का मतदान 8 मार्च को होना है। इनमें पीएम नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र काशी भी शामिल है। बात प्रतिष्ठा की है तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी इन सीटों पर काबिज होने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन यहाँ सवाल ये भी है कि मोदी को उन्हीं के घर में इतनी मशक्कत क्यों करनी पड़ रही है। जुमले में माँ गंगा को याद करने वाले पीएम मोदी को सत्तासीन होने के लगभग 2.5 साल बाद वो भी चुनाव के समय ही माँ गंगा की गोद में सोने का समय क्यों मिला। आलिया, स्थिति ये है कि यूपी में चुनाव जीतने के लिए मोदी जी ने केंद्र का आधा मंत्रिमंडल लगा दिया है। वहीं बनारस की 8 सीटों पर बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए 21 मंत्रियों सहित दर्जनों सांसद और विधायक लगाने पड़े हैं। फिर भी दाल गलती नजर नहीं आई तो मोदी खुद बनारस में माँ गंगा की गोद में 3 दिन के लिए आ पहुंचे। पीएम के इस फैसले से विपक्ष भी चकित है। विपक्ष का कहना है कि ये सारी बातें कहीं ना कहीं पीएम की हताशा और निराशा की तरफ इशारा कर रही हैं। एक प्रधानमंत्री विधानसभा के चुनाव में अपना क्षेत्र बचाने के लिए 3 दिन डेरा डाल रहे, इसी से लगता है कि हताशा निराशा बहुत है भाजपा में। उन्हें लग रहा है बनारस भी कहीं हाथ से ना निकल जाए, इस डर से इसलिए प्रधानमंत्री को बैठने पड़ रहा, इसी से घबराहट का पता चल रहा। और मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है कि प्राइम मिनिस्टर 3 दिन तक वहाँ बैठे रहेंगे। इसका मतलब कि उनको बहुत डर लग रहा है बनारस में जो स्थिति है। बहरहाल काशी में प्रवास कर रहे केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्रियों पर एक नजर डालें तो नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, एम वेंकैया नायडू, नितिन जयराम गडकरी, उमा भारती, कलराज मिश्र, अनंत कुमार, रविशंकर प्रसाद, जगत प्रकाश नड्डा, स्मृति जुबीन ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर काशी में डेरा जमाए हुए हैं। तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्रियों में राजीव प्रताप रूडी, पीयूष गोयल, मनोज सिन्हा, वीके सिंह, संतोष कुमार गैंगवार, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, साध्वी निरंजन ज्योति, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, अनुप्रिया पटेल शामिल हैं। इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, यूपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य, दिल्ली अध्यक्ष मनोज तिवारी, फिल्म अभिनेता रवि किशन, ओम प्रकाश राजभर, सुनील बंसल, शशिकांत शर्मा, विनोद सोनकर सहित अन्य कई सांसद और विधायक मोदी की लाज बचाने को बनारस की गलियों में घूम रहे हैं। इन माननीयों को बनारस सहित पूर्वांचल में प्रचार में जाने के लिए दर्जन भर हेलीकॉप्टर बाबतपुर हवाई अड्डे पर मौजूद हैं। मोदी जी ने अपने ही घर में इतनी फौज खड़ी की है तो सवाल उठना लाजमी है। लोग अभी भी परेशानी में, उनको पैसा जितना मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। हम तो कहते हैं काम की बहस, उपलब्धियों की बहस प्रधानमंत्री जी कहीं भी करना चाहें वो गांव भी तय कर सकते हैं जो खजांची का गांव है, और दूसरा अगर गंगा मैया के किनारे घाटों पर हो जाए तो उससे अच्छा कोई स्थान नहीं हो सकता। आखिरकार बीजेपी ने जब अच्छे दिन ला दिए हैं, अच्छे काम किए हैं, तो फिर 3 साल सरकार चलाने के बाद इतनी पूरी सेना एक जगह पर लगाने की क्या जरूरत पड़ गई? वो भी उस जगह पर जहां से जनता ने नरेंद्र मोदी को सांसद चुनकर दिल्ली में पीएम की कुर्सी दिलाई। ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि बनारस में बीजेपी की लुटिया डूबने की कगार पर है? क्या बनारस विकास से अछूता रहा है? अगर विपक्ष ये आरोप लगाते हुए विकास के मुद्दे पर बहस करने की चुनौती देने की बात कर रहा है तो उसकी बातों में दम जरूर है, वरना खुद पर से भरोसा उठाकर सेना को आगे नहीं करना पड़ता। आलोक द्विवेदी, एक्सपोज इंडिया, लखनऊ। हाय, दिस इज विद्या बालन एंड यू वाचिंग एक्सपोज इंडिया।